हेलो गाइस, वेलकम बैक आप लोगों को शंकर मान ब्लॉग्स पर। आज हम राउरकेला जा रहे हैं, हमारा CLC भी लाना है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो हमने ऑनलाइन किया था उसका भी रिसिप्ट हमको उधर सबमिट करना है और फिर मूवी भी देखना है यार ब्रह्मास्त्र। मैंने अभी तक टिकट नहीं काटा है क्योंकि कॉलेज में कितना टाइम लगेगा मेरे को नहीं पता है। अगर कॉलेज से हमको टाइम मिल गया तो फिर हम जाएँगे, टिकट कटाएँगे। तो PVR जो मॉल है, शॉपिंग मॉल सिविन टाउनशिप में, उधर हमने एक बार भी नहीं गए हैं। तो पंकज बोल रहा था कि उधर जाएँगे बोल के, तो आज मैं सोच रहा हूँ उधर जाएंगे। तो कितना टिकट प्राइस कितना है, क्या कुछ है, सब कुछ मैं बताऊंगा वीडियो में। और उसके साथ साथ हम एक प्रिंटर को भी लेके जा रहे हैं, F1L3100। उसका थोड़ा पेपर जम हो जा रहा है जब हम जेरॉक्स कर रहे हैं या फिर प्रिंटआउट इसका निकल रहे हैं, तो उसको भी हम लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में, उदित नगर में है। तो पहले तो हम जाएंगे कुतरा में, कुतरा से हमारा प्रिंटर को बस में भेज देंगे, फिर पाँच पोस्ट में रिसीव करेंगे। तो आइए फिर गाइस आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हम गए इस मेन रोड पहुंच चुके हैं और मैं ड्राइव कर रहा था, अभी पंकज को दे दिया हूं मैं। तो हम ऑलमोस्ट राउरकेला पहुंचने वाले हैं, राजमपुर थोड़ा बहुत हमने क्रॉस किया है। अभी मैं शूट करूंगा DSLR से और ये बाइक चलाएगा, तो हम हेलमेट लेकर आए हैं। हमारा हो चुका है जर्नी स्टार्ट, हमने ज़्यादा क्लिप नहीं लिया है, वीडियो हम कोशिश करेंगे थोड़ा छोटा करने के लिए। तो ये वाला लुक तो मेरे को GoPro जैसा व्यू दे रहा है, आप लोगों को बताना कैसा लग रहा है। हम ज़्यादा स्पीड में नहीं गए थे क्योंकि CCTV भी लगाए हुआ है, नहीं तो चालान कट जाएगा, संभल के रहना, चालान कभी भी कट सकता है। तो आइए आज का ब्लॉग को एंजॉय करते हैं। पानपोस हम पहुंच चुके हैं और ये वाला क्लिप हम हमेशा शूट करते हैं जब भी हम पानपोस आते हैं। तो पानी थोड़ा गंदा हो गया देख सकते हो, और इधर का मैं व्यू दिखाता हूं आपको। आते वक्त ज़्यादा ही भीड़ था, ट्रैफिक था, क्योंकि हम ऑफिस टाइम में आए थे, हम 10 बजे के करीब आए थे, तो ज़्यादा ही भीड़ था। मगर हम केयरफुली पहुँच गए हैं और हमने ये वाला ब्रिज को क्रॉस कर लिया है। आप चाहो तो वो अलग वाला ब्रिज से भी जा सकते हो, मगर हमको ये वाला अच्छा लगा तो हम इधर से ही आ गए। मैं अभी शूट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत क्लिप, तो पंकज ले रहा है इधर से, मोबाइल से क्लिप ले रहा है देख सकते हो। तो हमने कैमरा वाला बैग को लाए हैं और मैं शूट कर रहा हूँ 18-55 लेंस में, निकॉन 5300D। आज हम राउरकेला 3-4 काम की वजह से आए हैं, CLC लेना है, मार्कशीट लेना है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जो हमने ऑनलाइन किया था उसको, जो स्लिप है उसको सबमिट करना है, देन एक प्रिंटर को भी रिपेयरिंग करना है और हम ब्रह्मास्त्र भी देखने जाएंगे। तो ये 3-4 तो काम हम एक दिन में ही करके जाएंगे। कहाँ पे क्या आपको सबमिट करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ अच्छे से। जब आप कॉलेज इंटर करोगे तो आपको एक CLC के लिए फॉर्म मिलेगा, उसको आपको लेके फिल कर देना है। उसके बाद आपको लाइब्रेरी क्लियरेंस करना पड़ेगा, देन आपको अपना डिपार्टमेंट में क्लियर करना पड़ेगा, देन आप जाके अपना काउंटर क्लियरेंस करोगे। उसके बाद आप फिर से कॉलेज एंटर करोगे और राइट साइड में एक ठो रूम है, उधर आपको CLC मिल जाएगा। तो उधर आपको लेके जाना होगा अपना आइडेंटिटी कार्ड, उधर रख देंगे वो लोग। देन उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वालों का 10 तारीख तक टाइम था, मगर मैं पहुँच नहीं पाया था, तो हमको हमारा जो मार्कशीट है, इधर ऊपर में आपको एक फ्लोर दिखेगा एग्जामिनेशन सेंटर में, उधर आपको मार्कशीट कलेक्ट करना है। और हमने जो माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया था वो आपको नीचे रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ सबमिट कर देना है, बस इतना ही काम है गाइस। कॉलेज का काम ख़त्म हो गया और हमने तो प्रिंटर ऑलरेडी उदित नगर में दे दिया है सर्विसिंग के लिए। अभी हम आए हैं PVR मॉल, जो कि अभी हम इधर ब्रह्मास्त्र देखेंगे। तो हमारा शो है 1:30 पर, हम बाहर वेट कर रहे हैं। और जो हमारा शो चल रहा है इधर 4 नंबर पे चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है। फर्स्ट टाइम आए हैं, थोड़ा ब्रांडेड लग रहा है तो अजीब भी लग रहा है। उधर लगा है 3 नंबर वाला है, इधर कितना टू है हमको भी नहीं पता।
हमारा बैग को हमने उधर छोड़ दिया, नहीं तो हम DSLR से शूट करते। ये रहा हमारा टिकट जो कि बैग वाला है टिकट, बैगेज काउंटर में हमने अपना बैग को दे दिया है। 1:30 PM पे हमारा शो है। हम आ चुके हैं अंदर और दो टिकट का प्राइस 3D में हमको 580 पड़ गया। वो ये रहे हमारा बाबा जी, और हम अपना हेलमेट को लेके आए हैं, उसको हम नीचे रख देंगे। ये क्या पकड़ा है, 3D वाला ग्लास, 3D वाला ग्लास को हम लगा लेते हैं और 2-4 सेल्फी ले लेते हैं स्टेटस लगाने के लिए, ताकि पता चले ना सभी कॉन्टैक्ट वालों को कि हम आए हैं मूवी देखने। ये रहा हमारा कुछ सैंपल जो कि हम लिए थे। मज़ा तो लग रहा है मगर अभी तक हमारा शो स्टार्ट नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत भूख भी लग रहा है मगर एक्साइट भी ज़्यादा लग रहा है। 3D वाला शो है तो अच्छा लगेगा, और PVR में हम आए हैं। इधर साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा जैसा लग रहा है, क्योंकि ऑडियो जो रिकॉर्ड करते हैं स्टूडियो में वैसा ही वॉल में भी दिया हुआ है। इंटरवल हमारा हो चुका था 2 बजे के आसपास या फिर 3 बजे, मैंने टाइम नहीं देखा था। तो हमने ऑर्डर किया पॉपकॉर्न और उसके साथ साथ रेडबुल। इधर से हम थोड़ा बहुत ही खा लेते हैं और बाहर जाके हम खाएंगे कुछ, तो इधर ज़्यादा महंगा भी पड़ेगा जैसा लग रहा है, तो थोड़ा सेविंग करते हैं। मूवी गाइस ख़त्म हो चुका है और टाइम होगा 5 बजे का। हमने इधर एप्सन का एक प्रिंटर दिया था सर्विसिंग करने के लिए, तो इसको अभी हम लेके जाएंगे। इधर हम हैं एप्सन का इधर सर्विस सेंटर में, और ये रहा पंकज। और इधर से हम जाएंगे, पहले तो इसको लेंगे और इसको हम बस में दे देंगे, कुतरा से हम रिसीव करके ले लेंगे। उतना देर कौन लेकर जाएगा यार, क्योंकि भारी रहता है, तो पंकज का पैर बहुत दुखता है बोल रहा था। तो मूवी तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, पूरा VFX का तो गोदाम ही है इसमें, और पार्ट 2 आएगा तो हम लोग फिर से जाएंगे देखने के लिए। तो आइए पहले हम इसका रिसीव करते हैं, चेक करेंगे। इसमें एक्चुअली पेपर जाम हो जा रहा था, तो उसको मैं बनाने के लिए लाया था। हम उदित नगर गए थे, उधर का हमने काम ख़त्म कर लिया है, और अभी टाइम होगा करीब 6 या फिर 7 बजे का, और हम रुके हैं पानपोस में, जो कि हम इधर हमेशा आते हैं चाउमिन खाने के लिए, चिकन चाउमिन। तो मैंने 2 चिकन चाउमिन ऑर्डर किया है, और उसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लेंगे अगर अच्छा लगेगा तो। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो बन रहा है हमारा चाउमीन चिकन वाला। हम सोच रहे थे हम बगान जाएंगे बोल के, मगर टाइम नहीं हुआ और रात भी हो गया। ये ले रहे अभी क्लिप पंकज, मैं बैठा हूँ उधर। हमारा प्रिंटर भी है और हमारा बैग भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जब मैं प्रिंटर लिया था उधर रिपेयरिंग करने के लिए, तो मैं कोई भी क्लिप उधर शूट नहीं कर पाया। हमको घर पहुंचते पहुंचते रात का 9 बज गया था, तो हम घर पहुंच चुके हैं, और मैं अभी आपको टाइम दिखाता हूं। ये रहा हमारा प्रिंटर F1L3100। 8:30 बजे हम पहुंच गए थे, 8:35, और ये रहा हमारा फ़ोटो, और ये रहा सेटअप सब कुछ। तो आज का ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। मैं अपना हेलमेट को उधर रख देता हूँ, चाबी को हम इधर फेंक देते हैं, टाइम उसका ख़त्म हो चुका है। तो गाइस आज का ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर किसी को डाउट रहता है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को बहुत जल्द रिप्लाई करूँगा। अभी हम नहाने जाएंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही काम था इसीलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। 2 दिन हो गया मैं ट्राई कर रहा था वीडियो अपलोड करने के लिए, मगर कुछ फ़ोटो भी मिसिंग था, और फ़ोटो के लिए मदद किए मेरे ओमन भाई और मेरी बहन टसरंती, तो उनको भी मैं स्पेशल थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि हम GSR का कोई भी एक भी फ़ोटो नहीं लिए थे और क्लिप भी नहीं लिए थे, तो वो वाला हमको मिलने तक ये वाला वीडियो पेंडिंग था। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस, टाटा।